यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये वीडियो, ये जो चैनल है, हमने बनाया मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी के सहयोग से हम इसमें कामयाब भी हुए हैं। और इस चैनल में हमने कई वेब सीरीज स्टार्ट कर रखी हैं, तो ये जो वेब सीरीज़ है, ये वेब सीरीज़ है आपकी जो समस्याएं, जो पहेलियां टाइप में होती हैं उनके बारे में। तो इसी को समझने के लिए कुछ न्यूमेरिक इक्वेशन होते हैं, न्यूमेरिक इक्वेशन, गणितीय समीकरण, जो आमतौर पर हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में आती है या आजकल जो है ये सोशल मीडिया पर काफ़ी पॉपुलर होती है कि कोई भी एक इक्वेशन आ जाती है और उसके सॉल्यूशन में सब अपना अपना सॉल्यूशन उसका करते हैं। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में बहुत गलतियां होती हैं, तो इनका जो रूल है समझाने का, वो बोडमास फार्मूला था जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, वो आपने देखा होगा। और आज की भी इस वीडियो में मैं एक एग्जांपल उसके ऊपर कराऊंगा, जिस एग्जांपल को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। और उसी तरह के और भी एग्जांपल आप अपने आप कर सकते हो या करने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको वो हो जाए, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का एग्जाम्पल। देखिए, वैसे तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं, अलग किताबें खूब हैं इस तरह के सवालों के लिए, लेकिन आज जो मैं आपके लिए सवाल छांट के लाया हूँ, ये सवाल एक सोशल मीडिया से ही मैंने उठाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन है और इसको आपको हल करना है कि इसका आंसर कितना आएगा, इसका हल कितना आएगा। यहाँ पर जो सवाल हमें दे रखा है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 72 फिर डिवाइड 12 ब्रैकेट स्टार्ट 9 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 1, ये आपका सवाल है और इसको आपको हल करना है। देखिए, हल करना बहुत आसान है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझा के बताऊंगा, इसलिए थोड़ा लंबा होगा। देखिए, सबसे पहले हम अपना रूल लिख लेते हैं, बोर्डमास जो रूल है हमारा, यानी अपन को किन स्टेप में काम करना है ये, ठीक है। सबसे पहले बी का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, ब्रैकेट। ओ का मतलब यहाँ पे होता है ऑफ या ओपन, और जब ब्रैकेट को ऑफ करते हैं या ओपन करते हैं तो उसके बाहर जो भी संख्या होती है उससे मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। डी का मतलब होता है डिवाइड, यानी भाग करना। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी गुणा करना। ए का मतलब होता है ऐड, यानी कि जोड़ना। एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्ट, यानी कि घटाव करना। यहाँ पर मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ क्योंकि हमारे कुछ व्यूअर जो हैं वो हिंदी मीडियम से हैं। ऐड का मतलब जोड़। और गणित में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यदि आपको अच्छी तरह गणित सीखनी है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सीखनी पड़ेगी, तभी आप गणित में जितना पारंगत आप होना चाहते हैं या मैं आपको करना चाहता हूँ उतने पारंगत आप हो पाएंगे, ठीक है। तो ये है, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट ओपन। तो सबसे पहले आप देखिए क्या इसमें कोई ब्रैकेट है या नहीं, ये देखिए इसमें ब्रैकेट है, ये रहा ब्रैकेट। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट खोलना है, ब्रैकेट एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक ही ब्रैकेट है, मैं आपको एक ही ब्रैकेट वाला बताता हूँ, अगर ज़्यादा ब्रैकेट होंगे तो उसका एग्जाम्पल भी मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बता दूंगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट खोलना है, यानी ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं को हल करना है, और अंदर वाली संख्याओं को हल करके जब ब्रैकेट खुलेगा तो उस पूरे की गुणा बाहर वाली संख्या से होगी। देखिए कैसे होगी, सबसे पहले मैं ब्रैकेट को ही हल करता हूँ, तो मैं एक बार बाकी सवाल को नज़रअंदाज करता हूँ, अनदेखा करता हूँ, सिर्फ ब्रैकेट को हल करूँगा। अब ब्रैकेट में आप देखिए कौन सी संख्याएं हैं, 9 माइनस 4 गुणा 2 प्लस 1, इसमें कौन कौन सी क्रियाएं हैं, एक है माइनस, एक है गुणा और एक है प्लस। तो माइनस, गुणा और प्लस में से कौन सी पहले होती है, गुणा माइनस प्लस और गुणा में से मल्टीप्लाई पहले होती है, क्योंकि अपन इस क्रम में चलते हैं ऊपर से नीचे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई पहले होती है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे। तो गुणा यहाँ पे क्या होगी, 4 और 2 की गुणा होगी, तो कर दो गुणा, तो 9 का 9 रहेगा माइनस 4 और 2 की गुणा होगी तो कितना आ जाएगा, 8, और प्लस में कितना है 1। ये हमने दो संख्याओं को हल करके ये कर लिया। अब यहाँ पर क्या बचे, सिर्फ प्लस और माइनस। अब प्लस माइनस में आप देखिए, पहले प्लस होता है फिर माइनस होता है, लेकिन प्लस माइनस की जो प्रायोरिटी होती है वो सेम होती है, क्या होती है, सेम। तो आप दोनों को प्लस माइनस कर सकते हो। सेम क्यों होती है, क्योंकि प्लस माइनस संख्याओं के गुण भी होते हैं, जैसे 9 माइनस 8 प्लस 1, तो इन तीनों का आप एक साथ हल कर सकते हो। एक साथ कैसे, या तो प्लस प्लस की संख्याओं को जोड़ लो और उसमें से माइनस की घटा दो, या लाइन से चलते रहो। लाइन से चलने का मतलब है 9 माइनस 8, 9 में से एक 8 गए कितने बचेंगे, 9 में से 8 गए कितने बचेंगे, 9 में से 8 जाएंगे तो एक बचेगा, 9 में से 8 गया एक, और वो एक और ये प्लस एक मिलकर कितने हो जाएंगे, 2। या आप यूँ कर सकते हो कि 9, ये भी 9 प्लस का है और ये भी 1 प्लस का है, तो 9 और 1 10, 10 और माइनस 8, 10 में से 8 के कितने बचेंगे, 2। यानी जब आप इन तीनों को हल करोगे तो आपके पास जो संख्या बचेगी वो कितनी बचेगी, 2, ठीक है। बाहर आपका है 12, उससे पहले आपका 72, ये आपका एज इट इज़ चलता रहेगा। अब आप ध्यान दो, अभी आपने ब्रैकेट के अंदर को तो हल कर लिया लेकिन ब्रैकेट खोला नहीं है।
आपने ब्रैकेट की संख्याओं को तो हल कर लिया लेकिन ब्रैकेट खोला नहीं है। अब जब आपको क्या करना है, पहले ब्रैकेट खोलना है, तो जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो उसकी गुणा होगी बाहर वाली संख्या से, तो 12 की 2 से गुणा होगी, यानी यहाँ पर मैं लिखूँगा 72 डिवाइड बाई 12 की 2 से गुणा होगी, 12 दून कितना हो गया 24, ठीक है। और फिर 72 डिवाइड बाई 24, यानी आप 72 को 24 से डिवाइड करो, जब आप 72 को 24 से डिवाइड करोगे तो 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 दिया 72, इसका उत्तर कितना आ जाएगा 3, यह आपका इसका उत्तर आ गया, ठीक है, आसान है बिल्कुल। अब यहाँ पर देखियो, इस सवाल में एक ट्विस्ट है, क्योंकि ये सवाल सोशल मीडिया पे आया है, इसीलिए कुछ ना कुछ इसमें स्पेशल है, तभी ये सोशल मीडिया पे आया है। अब क्या इसमें स्पेशल है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए, आपने इसको हल किया, ये आया, ये आया, ठीक है। अब ये जो है 12 इंटू 2, यहाँ से आप देखिए ये 2 और 12 के बीच में कैसा निशान है, गुणा का, या हम यूँ कहें कि अगर इस ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो गुणा का, गुणा होती है, तो यहाँ पर मैंने एक बार इसको गुणा का निशान लिख दिया, ठीक है, 72 भाग में 12 और गुणा 2, 72 भाग में 12 गुणा 2, 72 भाग 12 गुणा 2, ठीक है। तो ये जो है, अब ये इसी को मैंने इस गुणा के फॉर्म में लिखा है, क्योंकि जब ब्रैकेट खुलता है तो गुणा होती है, बिल्कुल सही है, तो ये हमने इसी को इस फॉर्म में लिखा है। अब यहाँ पर देखिए, एक भाग आ रहा है और एक गुणा आ रहा है, भाग और गुणा में से पहले क्या होता है, भाग और गुणा में से पहले होता है भाग, पहले डिवाइड होता है फिर मल्टीप्लाई होता है, तो पहले क्या होता है डिवाइड, तो पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 72 डिवाइड बाई 12, 72 को 12 से भाग लगाओ, जब हम 72 को 12 से भाग लगाएंगे तो 12 एकम 12, 12 छिंग 72, 6 आएगा, क्यों, क्योंकि आप लगाओ 12 का पाठा पढ़ो, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 6 बार आएगा। तो जब 72 को मैंने डिवाइड किया 12 से तो कितना आएगा, 12 छिंग 72, 6 आ जाएगा, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो जब 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6 दूनी 12, अब यहाँ पर उत्तर कितना आ रहा है 12, लेकिन पहले जब हमने सही किया था तो उत्तर कितना आया था 3। अब यहाँ पर देखिए, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि ये 3 सही है या 12 सही है। देखिए, अपन ने किया इसको हल, 3 आया, ये भी बिल्कुल सही है, नियमानुसार हल किया है, यहाँ पर भी अपन ने इसको हल किया नियमानुसार, बोर्ड मार्क्स के तरीके से हल किया तो भी 12 आया है, यानी देखने से तो लग रहा है कि दोनों उत्तर ही सही हैं, लेकिन क्या दोनों उत्तर सही हो सकते हैं, नहीं, एक बार में सिर्फ एक ही उत्तर सही हो सकता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा, देखिए इस नियम में बड़े बड़े जो विद्वान हैं वो भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ये बहुत ही बारीकी वाली चीज़ है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे तरीके से देखो, मैंने जितनी मैथमेटिक्स पढ़ी है, जितना मैंने मैथमेटिक्स को समझा है, जितना मैंने मैथमेटिक्स को जिया है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो 3 आंसर है, ये 3 आंसर सही होगा, ठीक है। क्यों ये सही होगा, क्योंकि बोर्ड मास का जो रूल है वो रूल यही है कि सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करो, डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब बाद में, पूरा सवाल बाद में, सबसे पहले आपको ब्रैकेट ओपन करना है। अगर जब तक क्वेश्चन में ब्रैकेट है तब तक वो क्वेश्चन इनमें नहीं आएगा, ये एक तरह से दो पार्ट हैं इसके, सबसे पहले आप ब्रैकेट ओपन करो, बिना ब्रैकेट का सवाल बनाओ, उसके बाद आपको ये काम करना है। तो इसका जब अपन ब्रैकेट हटाएंगे तो ये दोनों मिलके एक ही आएगा, एक तरह से ये भी ब्रैकेट के बाहर और ये जो है ना, एक तरह से ये भी ब्रैकेट का है, तो अपन को पहले इसको ही हल करना पड़ेगा, और 12 की 2 से गुणा करेंगे 24, और 72 बटे 24 कितना आ गया 3। अब यहाँ पर अपन ने क्या गलती की, यहाँ पर अपन ने क्या किया, ब्रैकेट को हल नहीं किया, ब्रैकेट को ओपन नहीं किया, जबकि ब्रैकेट और इनके बीच की संख्याओं को गुणा मान लिया, और फिर इस गुणा और इस भाग में हमने नीचे का फॉर्मूला लगा दिया, जबकि ब्रैकेट खोलने का मतलब है ब्रैकेट की संख्या को हल करके उसके आगे जो संख्या उससे गुणा करो। हाँ, यहाँ अगर ये मल्टीप्लाई में है, अगर यहाँ कुछ प्लस माइनस होता तो ये तरीका सही होता, लेकिन यहाँ पर पहले इसकी मल्टीप्लाई होगी फिर ये 72 से डिवाइड होगा, इसका उत्तर आएगा 3, 12 दूनी 24, 72 में 24 का भाग लगाओ, 24 दिया 72, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गलती क्या हुई, यहाँ पर गलती यही हुई कि ये जो मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई हमने इधर नहीं लेना, हमको ये ब्रैकेट के साथ ही मल्टीप्लाई होकर इधर आएगा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा 3। बाकी आप इस ये जो कॉन्सेप्ट है इसको समझिए और इस तरह से और सवाल हल करके देखिए, और यदि आपको कि लगता है कि इसका उत्तर 12 हो सकता है तो आप और भी अपने स्तर पर खोजने का प्रयास कीजिए, इसका उत्तर 3 हो या 12 हो, मेरे हिसाब से 3 ही है, और कईयों ने मुझे 12 भी कहा था कि इसका उत्तर 12 होगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो रूल कहता है गणित का उसके हिसाब से इसका उत्तर 3 ही है। तो आप लोग भी खोजिए, आपको मज़ा भी आएगा और गणित सीखने को भी मिलेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में एक और जोरदार समस्या या इसी तरह का एग्जांपल लेके मैं आऊँगा वापस, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।